नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। श्रीनगर में बड़ी संख्या में हिंदू युवाओं ने एकत्र होकर राष्ट्रीय रक्षा मंच के तत्वाधान में राजस्थान में हुए हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन किया, आतंकवाद का पुतला दहन किया और कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीनगर में सभी हिंदुओं ने अपने प्रतिष्ठान स्वैच्छिक बंद रखे, परंतु मुस्लिम समाज की दुकान है खुली रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कमलेश शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारत वो भूमि है जिसने सदियों से दुनिया के अन्य धर्म पंथ के लोगों को शरण देने का काम किया है, परंतु यदि हिंदू समाज पर ही तलवार के आक्रमण होंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज उन कट्टरपंथी हत्यारों को शीघ्र फांसी की मांग करता है। इस अवसर पर श्रीनगर, बगासपुर, उमरिया, गौरतला, नागवारा, तरबारा आदि गांवों से भी हिंदू उपस्थित रहे। कहेंगे आज श्रीनगर बंद रहा, क्या उद्देश्य रहा और आज पुतला दहन हुआ, किसका पुतला दहन किया गया? कुछ दिन पूर्व राजस्थान के उदयपुर में कट्टरपंथी और चरमपंथियों के द्वारा एक भोले भाले हिंदू समाज के व्यक्ति को जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में आज ग्राम श्रीनगर में समस्त लोगों ने अपने स्वैच्छिक प्रतिष्ठान बंद रखे। साथ ही हिंदू समाज ने राष्ट्र रक्षा मंच के तत्वाधान में एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा और स्वर्गीय कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही चरमपंथ कट्टरपंथ का इस्लामिक आतंकवाद का एक पुतला दहन किया गया। सभी लोगों ने एकमत होकर कहा कि भारत में इस प्रकार की कट्टरता, चरमपंथता ये नहीं चलेगी और हिंदू समाज इसका जवाब देने के लिए सक्षम है।